हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त और आज हम लोग आए हैं कानपुर दीदी के यहाँ। सुबह के 7 बजे हैं तो बस राखी बंधाने के लिए आए हैं। अंकिता भी साथ में आ गई है और सुबह 4:30 बजे जग के 5 बजे की ट्रेन पकड़ी और आ गए हैं। तो अभी अनिस वानी सो रहे हैं, तो जब अनिस वानी जगेंगे, अभी हम भी हो सकता है चाय पी करके सो जाएं, तो तब फिर राखी बंधाएंगे हम लोग और देखेंगे। अगर क्योंकि मौसम आज का बहुत अच्छा है तो शायद घूमने जाएंगे। आजा आजा पहाड़ देखेंगे, आजा। हाँ कहीं जाएंगे, ये देखिए शानदार मौसम। और ये सामने स्कूल, क्योंकि किसी किसी स्कूल में 11 की छुट्टी है, किसी किसी स्कूल में 12 की। शाम के बजे हैं 6:30 और आज के दिन की कहानी ये है कि सुबह नाश्ता करके सो गए, जगे, फिर मैं ऑफिस का काम था मुझे, मैं ऑफिस का काम करने लगा और श्वेता और अंकिता ने कबीर मिरे के साथ में मूवी का प्लान बना लिया, तो वो लोग आ गई मूवी देखने। लेकिन क्योंकि मेरा तो ऑफिस का काम करना था इसलिए मैं नहीं आया। फिर कबीर बोर होने लगा मूवी में तो श्वेता का फोन आया, बोली इनको ले जाइए। तो फिर मैं आ गया हूँ यहाँ थिएटर, तो मैं इनको मूवी हॉल से निकाल करके यहाँ कैफेटेरिया में हूँ और हम वेट कर रहे हैं अंकिता और श्वेता का। राखी अभी तक नहीं बंधी है, वो इसलिए नहीं बंधी हुई है कि कुछ नक्षत्रों के हिसाब से दीदी ने बताया। पहले मैं जो वहां पर कार रखी पहले वो खेलूंगा मैं। हाँ ओके ओके, खेल लेना। तो जो मुहूर्त है वो शाम को 7:30 बजे के बाद का है, तो जो राखी सेलिब्रेशन होगा वो 7:30 बजे के बाद होगा। तो बस हम लोग यहाँ बैठे हैं, श्वेता अंकिता आती हैं तो फिर जाएंगे घर और उसके बाद में राखी सेलिब्रेशन। अरे वाह, हाँ चलाएंगे। और मेरे मेरा रो रहा है क्या? मेरे को रो रहा था, हाय कर दीजिए, हाय। हंसने लगा मेरे तो बीच में देखकर। यस मैडम, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, चलाना है, बैठ जाओ। अरे वाह, अरे वाह, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे वाह, वेरी गुड। बाय बाय मेरे, बाय बाय मेरे, बाय बाय। तो इस बार मुहूर्त के चक्कर में जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो 2 दिन हो गया, 11 और 12, उसमें भी अलग अलग हो गया। कोई कह रहा है 7:30 बजे शाम के बाद से मुहूर्त है, कोई कह रहा है कि दोपहर में। पीहू मेरी बहन जो अहमदाबाद में रहती है वहां पर अहमदाबाद में 12-1 बजे के पहले ही राखी बंधनी थी, तो गुजरात में ये है। तो हम लोग अभी रात में 8 बजे राखी बांध रहे हैं। तो सबसे पहले राखी बंधेगी पीहू की, क्योंकि वो सबसे छोटी है। पीहू की राखी लाओ पहले। पीहू की राखी कहाँ पता नहीं। पीहू जी, अगर आप हमारा ये ब्लॉग देख रही हैं और नहीं देख रही हैं तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तो आपकी राखी सबसे पहले बांधी जा रही है। अरे वहां से लगा मेरा भैया। पीहू आपकी वाली राखी। वेश्वर भी बांध दो, अंकिता बांध दो, अंकिता बांध दे, ये लो जी, अंकिता बांध देगी ना। तो मैं अपनी वाली बांध दूँ पहले, अंकिता फिर तुम बांध बांध देना, अंकिता बांध दे पहले छोटे ब्रश से। अच्छा पहले दोनों की, फिर अंकिता की। इधर देखो, लास्ट तक एकदम आती है, देखो मेरी आदत है। गिर जाओ तुम लोग। रेशु की भी बांध दो, रेशु दी को वीडियो कॉल कर लेते। हाँ वीडियो कॉल कर दो एक फोन से, तुम अपने से कर दो फोन। ये रेशु तुम्हारी राखी बांध रही है अंकिता।
रेशु ने कंजूसी की है, छोटी राखी भेजी है तो काट नहीं लग रही। अब बोलिए रेशु दीदी के लिए, ये तुम्हारी राखी कंजूसी में तुमने भेजी है तो ये छोटी है, इसमें गांठ नहीं लग रही थी, बड़ी मुश्किल से अंकित ने लगाई है। तो अभी अब तुम अपनी बांध लो। ये टी शर्ट आज मैंने उद्घाटन किया है इसका, ये यहीं से खरीदी थी मैंने भी आज इसका उद्घाटन किया। ले लिया है, अभी आपको भेजेंगे। आप दिखेंगे मेरा दो देखो, मामी के राखी बांध रही है, बड़ी बुआ मतलब लवली मासी बांध रही है। हेलो आदु, आदु मामा ने मास्क नहीं लगाया, थोड़ा दूर रहो। जब हम छोटे थे तब ऐसा हमने नहीं सुना था कि भाभियों की भी राखी बनती है, बट पंजाबी कल्चर से धीरे धीरे अब ये आ गया है तो अब ये चीज नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है कि लोग अपनी भाइयों को भी राखी बांधते हैं और बहनों भाभियों को भी, तो उस सीक्वेंस में भाभी को अब राखी बांधी जा रही है। ये फोटो ले लो, देखो बढ़िया राखी बन रही है, सबके मम्मा बस यहाँ पे है। तुमने कैसे राखी बनवा ली दीदी से? ये ऐसे ब्लॉग बन रहा है और ये रेशु ऑनलाइन है और कबीर और मेरे बैठ गए हैं राखी बनाने के लिए और उनकी सुहानी दीदी राखी बांध रही हैं और सुहानी का आज बर्थडे भी है तो राखी सेलिब्रेशन के बाद बर्थडे केक सेलिब्रेशन होगा। मेरे दीदी क्या कर रही हैं? बेटा ब्लेसिंग नहीं लिया आपने दीदी की, तुरंत आप चल दिए जय। अब इसको भैया को, छोटे भैया को मेरे मेरे, अरे वाह भाई कितने मजे से बनवा रहा है, फोटो ले लो। सुहानी देखो बेटा इधर बैठ जाओ ना, चेयर में बैठ जाओ ना। मम्मा ने बांधा या दीदी ने? सुहानी दीदी ने, किसने बांधा? सुहानी देखो, सुहानी दीदी का बर्थडे, वहां चलो बैठो, चलो आ चलो मेरे, आप बैठ जाओ दीदी के पास में, जाओ मेरे दीदी के पास चले जाइए, दीदी के पास जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुहानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं आप नहीं पकड़ पाओगे, आप छोटे हो ना अभी। और ये देखिए श्वेता जी फोटोग्राफर के रोल में, सबसे अच्छी फोटो दीदी की आ रही है। यार ऐसे मत बोलो, मैं पीछे बैठ जा रही हूं। सबसे पहले मैं, वाह वाह वाह, भाई ने बुले गा लिया, भाई ने सुहानी के लिए से कर दिया, बोला आ जाओ कोई नहीं है। अरे कौन जा रहा है? अरे यार इट्स द टाइम टू डिस्को। अरे तो अब नंबर आया है डिनर प्रसादम का, डिनर प्रसादम में आज है डोसा, तो ये डोसा फिनिश करते हैं और इसके बाद में सोने की तैयारी करेंगे। इसी के साथ ही दिन पूरा करते हैं, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।